फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह आज हम सबके बीच नहीं रहे। जी हाँ, बीती रात 18 जून को देर रात को उनका निधन हो गया। 91 वर्ष की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हुआ और उनके निधन की खबर से सभी देशवासी इस वक्त बेहद दुख से जूझ रहे हैं। हाल ही में वे कोरोना से भी संक्रमित हुए, लेकिन उसके बाद वो स्वस्थ भी हो गए थे। लेकिन इसी सप्ताह उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी निधन कोविड-19 के कारण हो गया था। उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह ने की। इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करने वाले मिल्खा सिंह के निधन की खबर से इस वक्त पूरा देश बेहद दुख में है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने भी कहा कि मिल्खा सिंह के निधन से उनका दिल भी दुख से भर गया है। उनके संघर्षों की कहानी, उनके स्ट्रगल की कहानी, उनके चरित्र की ताकत भारतीयों में आने वाली पीढ़ियों तक को भी प्रेरित करती रहेगी, उनको मोटिवेट करती रहेगी मिल्खा सिंह की तरह बनने के लिए। मिल्खा सिंह के परिवार के सदस्यों और ऐसे अनगिनत उनके फॉलोवर्स के प्रति उनकी गहरी संवेदना है, ऐसा राष्ट्रपति कोविंद ने भी कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मिल्खा सिंह के निधन के बाद उन्होंने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, जिसकी देश को हमेशा से जरूरत रहती आई है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अभी हाल ही में उनकी श्री मिल्खा सिंह जी से बात हुई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कब उनकी ये बातचीत आखिरी बातचीत होगी। आने वाले समय में भी कई नए एथलीट उनकी इस जीवन यात्रा से ताकत हासिल करते रहेंगे और उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करेंगे। रेसिंग ट्रैक पर देश की उड़ान में पंख लगाने वाले फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह अब नहीं रहे, ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है। 91 साल की उम्र में उन्होंने कोरोना को तो हरा दिया, लेकिन फिर वह अपनी जिंदगी की जंग भी हार गए। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। मुकाबले से मुंह मोड़ना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था और उनके दिए हुए आदर्शों पर हम सब चलकर अपने देश को एक महान ऊंचाई तक पहुंचाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। हम सबको उनकी तरह बनना चाहिए, जो कि स्ट्रगल से मुंह ना मोड़कर मेहनत करके देश को इतनी ऊंचाइयों तक, इतनी बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। HR71 की पूरी टीम की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से श्री मिल्खा सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।